बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मैथ विज्ञान चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो पीएम लोन है, वजीर आजम लोन है, वो किन किन लोगों को मिलेगा, उसके लिए क्या कंडीशंस हैं, ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। पहली बात तो ये, बहुत से लोग कन्फ्यूज हैं कि यार किसको लोन मिलेगा। लोन उसको मिलेगा जिसकी जो एज है वो 21 से 45 साल हो, यानी कि 21st ईयर से 45 ईयर उसकी एज हो। इसमें एक और कंडीशन ये है कि 18 साल वाला भी अप्लाई करता है, कर सकता है, लेकिन उसका आईटी या ई कॉमर्स फील्ड के साथ अटैच होना जरूरी है। वो लोग जो आईटी या ई कॉमर्स फील्ड के साथ अटैच हैं, वो 18 साल की एज में भी अप्लाई कर सकते हैं इस लोन के लिए। इस लोन के लिए ये कंडीशन है, आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए, अपना पर्सनल अपना आईडी कार्ड होना चाहिए, आप पाकिस्तानी सिटीजन हो, ठीक है। और एक सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये भी क्रिएट हो रही है लोगों के माइंड में कि यार इसके लिए एजुकेटेड होना या एजुकेटेड ना होना जरूरी है। भाई इस तरह की अभी तक कोई कंडीशन नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि आपने मास्टर किया हो या बैचलर किया हो या आपने कोई और डिग्री ली हो, अभी इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं डाली हुई। ये लोन है, ये आम हर आदमी के लिए है, अप्लाई करना होगा आपको, जो एलिजिबल होगा उसको लोन मिलेगा। अभी तक जो कंडीशन है वो एज की है, आईडी कार्ड की है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो एजुकेटेड हैं उनके लिए एक रिलैक्सेशन दी है, 3 साल की एज की रिलैक्सेशन दी है, जो मैंने आपको भी बताई है, आईटी और ई कॉमर्स से जो बिलोंग करते हैं, ठीक है। एजुकेशन का इसमें कोई कंसर्न नहीं है। नंबर थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि मैं ये आपको बताता चलूँ कि मैंने ये बैंक में जाके, खुद मैंने बैंक में जाके पूछा है, तो उन्होंने ये बताया कि अगर लिटिल बिट डिले हुआ है वो इस वजह से हुआ है कि ऑनलाइन पोर्टल बनाया जा रहा है, वजीर आजम ऑनलाइन पोर्टल बनाया जा रहा है। उसका फायदा ये होगा कि हर बंदा जो है वो अपना अप्लाई कर सकेगा और उसका प्रोसेस क्या हो रहा है सारी मालूमात खुद ब खुद उसको मिल रही होगी, उसको किसी भी जगह पे धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन पोर्टल जो है वो आपको सारी इंफॉर्मेशन आपके सेल फोन पे या जिस भी डिवाइस से आप लॉगिन होंगे वो देगा। और सबसे लोग कह रहे हैं कि यार ये दो, आप ये देखिए कि 10 दिन या 15 दिन 20 दिन लेट हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन ये ऑनलाइन पोर्टल का बन जाना हर एक के लिए बहुत जरूरी है। इसमें ये होगा कि कोई आपको ब्लैकमेल भी नहीं कर सकेगा, आपसे करप्शन के लिए भी डिमांड नहीं करेगा। ऑनलाइन पोर्टल में ये होगा कि जो इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी होंगी वो आपने डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी है, तो उससे ये होगा कि आपका सारा डेटा आपके अपने हाथ में होगा, आप सेलेक्ट हो गए हैं या सेलेक्ट नहीं हुए वो भी आपको पता लग जाएगा ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू। तो हम, मेरी भी यही विशेष है कि यार ऑनलाइन पोर्टल बन जाना चाहिए, ताकि बहुत हर एक बंदे की सिफारिश या रेफरेंस नहीं होता, तो इसलिए ये है कि अगर ऑनलाइन पोर्टल बनता है तो हमें इस तरह की कोई रेफरेंस की जरूरत नहीं होगी, जस्ट हमें ऑनलाइन पोर्टल से ही अपने आप को लॉग इन करना है, हमने अटैच करना है और हमें क्या उस करना है, एलिजिबिलिटी अगर हो गई तो वो लोन मिल सकता है जो रिक्वायर्ड लोन है। इससे पहले भी मैंने बताया था कि दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है लोन को, 1 से 5 लाख और 5 से 50 लाख उसकी कंडीशंस हैं। अभी इसको और अपडेट किया जा रहा है, जैसे ही और नई अपडेट आएगी वो भी आपको इसी चैनल पे इंशाल्लाह जल्दी बता दी जाएगी। तो तब तक के लिए ये इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।